This is how democracy loves, born this way stop bullying queer kid, the gay agenda. इन्हीं लाइनों के साथ हाथ में पोस्टर और रंग बिरंगे परिधानों को पहने LGBTQ समुदाय 17 दिसंबर की दोपहर कोलकाता की सड़कों पर उतरा। बता दें कि LGBTQ समुदाय के द्वारा कोलकाता में रेनबो प्राइड परेड निकाली गई। बड़ी संख्या में LGBTQ समुदाय के लोग इस मार्च का हिस्सा बने। इस दौरान जितनी संख्या इस समुदाय की सड़कों पर थी उससे कहीं ज्यादा संख्या इस मार्च को देखने के लिए सड़कों पर दिखाई दी। इस समुदाय के लोगों ने समानता की मांग करते हुए समाज में खुद को घृणित नजरों से न देखे जाने की भी इस दौरान अपील की। इट्स 2023 प्राइड, तो प्राइड का मतलब यही होता है कि हमारे समाज में जो लेस्बियन गे ट्रांसजेंडर पर्सन जो होते हैं उन लोगों का बहुत एक्सेप्टेंस थोड़ा नहीं रहता है, तो इस प्राइड के जरिए हम आदमी के लोगों के पास कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी कुछ राइट्स है, एवरीथिंग राइट्स, जो कि हमको अलग से देखा जाता है कि वी आर नॉट एनी पीपल लाइक दैट। तो उसके लिए जो हमारा ये रैली निकला है और हम बहुत इंजॉय कर ले, एंड पर्सनली आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांस वुमन, एंड मैं चाहती हूँ कि समाज में हम जैसे लोगों को राइट्स मिले, हम भी इंसान हैं और जैसे कि नॉर्मल मेल फीमेल को राइट्स मिलता है हमको भी हर तरीके का राइट्स मिले। सबसे बढ़िया जो बात है तो हम लोगों को चाहिए वो है वर्क वैकेंसी, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो हमको बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम के जरिए जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि समाज में हर एक तरीके का सुविधा जो हमको मिले, और हम इसी के लिए आज सभी को ये बातरा पहुंचाने के लिए यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग का रैली है जो हर साल ही होता रहता है, और हम लोग का पार्टिसिपेट करने का ये इसीलिए एक मुद्दा है कि हम लोग इसी फील्ड में आके हम लोग अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं अच्छे से, और बता सकते हैं कि हम लोग बहुत सालों से मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, आगे भी बहुत मेहनत करना है। और एक्चुअली फायदा ये होता है कि हम लोग पब्लिकली जब भी ऐसे अभी निकलते हैं, अभी हम लोग एक्सेप्टेंस उतना नहीं मिल रहा अभी तक, इसलिए इस प्राइड के जरिए सब लोगों को पता लगेगा कि हम लोगों भी है इस दुनिया में, हम लोग थर्ड जेंडर नहीं है, हम लोग भी इक्वल है और हम लोग एक साथ मिलके रहना चाहते हैं, तो हम लोगों को अलग ना करें। प्रॉब्लम तो बहुत फेस करना पड़ता है, बचपन से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं, मम्मी पापा से लेके स्कूल से लेके रास्ते के पब्लिक से लेके सब कुछ से बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है, सेक्चुअल हैरेसमेंट होता है, मेंटली हैरेसमेंट होता है, फाइनेंशियली होता है, तो अभी हम लोग चाहते हैं कि ये सब से हम लोग जल्दी से छुटकारा मिले और सरकार हम लोगों का थोड़ा सा काम वाम के लिए देखे, नौकरी हम लोग के लिए बहुत जरूरत है। फिलहाल डिमांड यही है कि हम लोग को थर्ड जेंडर जो कैटेगरी में रखा है वो थर्ड जेंडर कैटेगरी से हटा के हम लोगों को एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए दे, थर्ड फीमेल जेंडर जैसे होते हैं हम लोगों को भी ऐसे भी ट्रीट करा जाए, थर्ड जेंडर अलग हम लोग नहीं है, हम लोग भी इंसान ही है, तो जेंडर हम लोगों का सेम ही है। LGBTQ समुदाय अपने साथ होने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ अपने संघर्ष का जश्न मनाने के लिए इस रेनबो प्राइड परेड का आयोजन बीते कई सालों से करता आया है। बता दें कि भारत के पहले LGBTQ प्राइड परेड का आयोजन सन 1999 में कोलकाता में हुआ था।